स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं ग्रीनाडाइन डाइवर्ट्स वर्सेस बोटानिकल गार्डन रेंजर्स T10 मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा अर्नोस वाले ग्राउंड किंगस्टाउन पे, और यह मैच रात के 9:30 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे लास्ट ईयर 30 मई को लास्ट सुफुरे हाइकर्स वर्सेस डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स के बीच में फाइनल मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको ध्यान देना है जो पिच रहेगी दोस्तों उस मैच के लिए, ये न्यू रहेगी, फ्रेश रहेगी, तो अपन कह सकते हैं बैटर्स को और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। अब देखो, आपको पता ही है ये विंसी प्रीमियर लीग का चौथा एडिशन है, मतलब दोस्तों ये फोर्थ एडिशन है इसका, चौथी बार हो रहा है VPL लीग, ये चीज़ आपको ध्यान देनी। और आपको पता ही होगा तीनों बार दोस्तों अपन इस लीग को कवर भी करा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों अपन फिर से इसको कवर कर रहे हैं। बहुत पुरानी लीग है, अगर आपको याद हो जब कोविड आया था 2020 के अंदर, तब ये लीग दोस्तों अपनी सारा थी उस टाइम पे, जिससे दोस्तों अपने को बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स भी मिले थे, न्यू फ्रेंड्स बने थे अपने दोस्तों। तो मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ जो अभी भी जुड़े हुए हैं या फिर अब जो जुड़ेंगे, आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूँ यहाँ पर। अब देखो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे, लास्ट ईयर जब यहाँ पर मई के अंदर ये लीग भी थी तब यहाँ पर दोस्तों मेरी क्या ऑब्जर्वेशन थी पिच के रिगार्डिंग। तो आप देखो यहाँ पर जो लास्ट ईयर पिच थी ना, वो पिच दोस्तों ड्राई पिच थी। ड्राई पिच मतलब क्या हो गया, पिच के ऊपर ना मिट्टी अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रही थी, जल्दी दोस्तों मिट्टी खुल जा रही थी, क्रैक्स यहाँ पे दोस्तों आ रहे थे और धूल थी पिच के ऊपर अच्छी खासी। इससे क्या होता है कि जो बॉल होती है ना दोस्तों, वो टर्न होती है यहाँ पर गिरने के बाद अच्छी खासी। तो आप समझ सकते हो ड्राई पिच है, इसका मतलब क्या, पिच स्लो है और यहाँ पे बॉल दोस्तों बैट के ऊपर अच्छे से नहीं आती है, और स्पिनर्स को पे टर्न देखने को मिला था लास्ट एडिशन के अंदर। कटर बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जो गति परिवर्तन करते हैं, स्लोअर वन डालते हैं, वेरिएशन करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो दोस्तों अपने लास्ट ईयर के पूरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन बताया, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है पूरी पिच का, लेकिन आपको बताया ये पहला मैच है विंसी प्रीमियर लीग 4.0 लीग का, मतलब चौथा एडिशन का। तो आप समझ सकते हो पहले मैच के अंदर ना इतना ज़्यादा बॉल स्पिन नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, मैं मना नहीं कर रहा, स्पिन होता है दोस्तों यहाँ पर ये, पर पहला मैच आप सोचो दोस्तों, जब भी पहला मैच किसी पिच के ऊपर होता है ना, तो पिच के ऊपर कह सकते हैं न्यूट्रली सबको एडवांटेज मिलता है, यहाँ पे पेसर्स को भी एडवांटेज मिलेगा इस मैच के अंदर, एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिलेगा स्टार्टिंग के अंदर। फिर जैसे जैसे डे 4 डे 5 आएगा ना, तब यहाँ पे दोस्तों स्पिनर्स का बोलबाल आएगा, तब आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको स्पिनर्स को भर भर के टीम में रखना है, ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया। स्टार्टिंग है डे 1 डे 2 पे आपको लॉजिक वही रखना है कि आपको चीज़ों को सिंपल रखना है, ऐसा नहीं करना आप स्पिनर फेवर पूरी टीम बना दो। डे 1 है तो यहाँ पे दोस्तों न्यूट्रल पिच रहेगी, मैं आपको पहले सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, ये तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन थी, मैंने आपको ये भी बताया डे 1 पे क्या हो सकता है। अब देखो जो टीम इस वेन्यू के ऊपर बैट फर्स्ट करिए, मैंने पूरा 82 मैचेस के स्टैट्स निकाले हैं दोस्तों, आप समझ सकते हो दिमाग की हुई ऐसी तैसे हुई थी मेरी, आप मानो मत मानो। यहाँ पे देखो 82 मैचेस के अंदर क्या हुआ है, जो टीम बैट फर्स्ट करी ना इस वेन्यू के ऊपर T10 लीग के अंदर 45 मैच जीती है। तो दोस्तों यहाँ पे बैट फर्स्ट करना ना ज़्यादातर लाभदायक है, औसतन स्कोर यहाँ पे हर बार 60-80 के आसपास बनता है। अब देखो लास्ट 82 मैचेस में 82 मैच के अंदर यहाँ पे क्या हुआ है, तेज गेंदबाजों ने पेसर्स ने 326 विकेट निकाले हैं, वही स्पिनर्स ने यहाँ पे देखो 338 विकेट निकाले हैं, 12 विकेट ज़्यादा है स्पिनर्स इस वेन्यू के ऊपर एज कम्पेयर टू पेसर्स। तो यहाँ पे दोस्तों स्पिनर्स का बोलबाला आ रहा है, पर सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है डे 1 है तो यहाँ पे न्यूट्रल पिच रहेगी। जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था विंसी प्रीमियर लीग का तीसरे एडिशन का फाइनल मैच था 30 मई को, लास्ट सुफरे हाइकर्स वर्सेस डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स के बीच में मैच था, उस मैच के अंदर कुल मिला के 8 विकेट गिरे थे, 3 विकेट पेसर्स के थे, 5 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स के थे। सनी दोस्तों वेदर रहेगा, 27 डिग्री के आसपास सेल्सियस है, मैंने जब देखा था मैच शनिवार रात को है, सैटरडे नाइट को मैच है, मतलब अपने यहाँ पे तो नाइट होगी, वहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखो यहाँ पे चलेंगे किस तरह, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना दोस्तों, आपकी डिमांड थी इस लीग को कवर करना है तो मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर। T10 लीग के रूल्स क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉलिंग 2 ओवर एक बॉलर डाल सकता है, 2 ओवर पावर प्ले दोस्तों यहाँ पे लास्ट ईयर तो 1-4 ओवर का था, इस बार मेरे हिसाब से 1-3 ओवर तक का रहेगा, मैं आपको बता दूंगा कंफर्म करके टेलीग्राम के ऊपर। तब देखो लाइनअप्स की बात करेंगे तो आपको ध्यान देना है ग्रीनाडाइन डाइवर्ट्स की तरफ से शेम ब्राउन ही ओपन करेंगे, लास्ट ईयर भी ओपन करा था उन्होंने, हेरन शालो बहुत अच्छे विकेट कीपर बैटर है, कीपिंग यही करेंगे आई थिंक हेरन शालो, चीज आपको ध्यान देनी है। फिर आएंगे यहाँ पर रोनल्ड खाटो, ये ओवरसीज प्लेयर है, टूर्नामेंट के अंदर ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड है। असीफ ऊपर आएंगे यहाँ पे लेफ्टी बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। फिर आएंगे यहाँ पे अरविंद ओब्रेकम जूनियर, कॉडी हॉर्ने, केविन इब्राहिम, ब्रैक्सी ब्राउन, अबॉर्ड मकोई,
गेरन वाइल एल एक्सपिनर है, फास्ट मीडियम का रोल मिलना साइड में लिखा है। अबर्ट मिगो को आप जानते हो कितने बड़े बॉलर हूँ, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, ब्रेक्स ब्राउन राइट आर्म फास्ट मीडियम है, केविन इब्राहिम राइटी बैटर ऑफ स्पिनर है, आसिफ ऊपर का मैंने आपको बताया दिया था। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रेनाडा एंड डाइवर्स की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन सा है। तो दोस्तों आप खुद क्या कर सकते हो कि ये फोटो मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा या फिर आप दोस्तों इसको सेव करके रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या दिया आपको बताया, इसके अंदर दोस्तों लोगों ने बहुत अच्छे से बताया, क्या बताया देखो आप यहाँ पे, कैप्टन कौन है टीम का जो ए प्लस कैटेगरी में आता है, रिटेन प्लेयर कौन है, दो प्लेयर रिटेन्ड है जो ए कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैटेगरी आप सुनोगे उसको, कैटेगरी इस हिसाब से तय करी जाती है कि कौन सा प्लेयर कितना अच्छा खेलता है, तो उसकी कैटेगरी होती है, उसका बोल वाला कितना है, तो उसका रेपुटेशन कितनी है। तो ए प्लस में तो सबसे बढ़िया प्लेयर आता है, फिर ए के अंदर थोड़े बढ़िया प्लेयर, उसके बाद ओवरसीज प्लेयर दो अलाउड है, कई कई टीम में दो है, कई कई में एक टीम है, मतलब एक ओवरसीज प्लेयर अलाउड है। फिर देखो बी कैटेगरी के प्लेयर्स है, फिर दोस्तों सी कैटेगरी के प्लेयर्स आते हैं, मतलब नए प्लेयर्स हैं, उनका इतना बोलबाला नहीं रहता। तो सबसे पहले बात करते हैं जो टीम है यहाँ पे ग्रेनाडा एंड डाइवर्स, इनका कैप्टन आसिफ ऊपर, रिटेन प्लेयर थे इनके अबर्ट मिगो, शेन ब्राउनी, और इनका ओवरसीज है रोनाल्ड काटो, हेरन शेलो। अब चलते हैं यहाँ पे बी कैटेगरी के अंदर आते हैं, केविन इब्राहिम, वैसिक स्टफ। सी कैटेगरी के अंदर आते हैं ब्रेक्सी ब्राउन, गैरन वाले, डेंजन हॉइटे, विडल एडवर्ड्स, कॉडी हॉर्ने, इरविन वेरिकम जूनियर, और डेवलपिंग प्लेयर मतलब होता है इमर्जिंग प्लेयर, कॉडी ग्रांट है जो अभी नया नया टीम के अंदर आया हो। अब दूसरी टीम की बात करते हैं यार, दूसरी टीम का नाम है बोटोनिकल गार्डन रेंजर्स। वैन यहाँ पर यहाँ पे गिडीपिंग करेंगे, राइटी बैटर है एंड्रे फ्लेचर, ओवरसीज प्लेयर है, फिर आएंगे यहाँ पे कैरन कॉटी आएंगे, फिर यहाँ पे कटॉय, मतलब कैरन कटॉय लेफ्टी बैटर, लेग स्पिनर है, बहुत अच्छा खेलता है बंदा। सेल्विन ब्राउन राइटी बैटर है, एलेक्स सिंगल राइटी बैटर है, कैनेट डेम्बर ऑफ स्पिनर है, कैसर विलियम्स राइट आर्म फास्ट मीडियम है, लैरी एडवर्ड्स बहुत अच्छा एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है जो वेस्ट इंडीज की टीम के साथ जुड़ा हुआ था पहले नेट बॉलर के तौर पर, रजानी ब्राउनी, वेस्टन सैम्यूल राइट आर्म फास्ट है, किमाली विलियम्स राइट आर्म फास्ट है। अब देखो यहाँ पे कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी के अंदर आता है, टीम का नाम क्या है, टीम का नाम है दोस्तों यहाँ पर क्या गई टीम, ये आपको दिख रहा है कैसर विलियम्स, बोटानिकल गार्डन इन जस्टिडिया का जहाँ पे फोटो बनी हुई है। तब देखो कैसर विलियम्स कैप्टनसी करें, ए प्लस प्लेयर है, कैनेट डेम्बर इनका ए कैटेगरी के अंदर आते हैं, कैरन कॉटी के अंदर आते हैं रिटेन थे, लैरी एडवर्ड्स ओवरसीज प्लेयर है, एंडी फ्लेचर ओवरसीज प्लेयर है। अब देखो बी कैटेगरी में कौन आता है, सिल्वन ब्राउनी, रजाइनी ब्राउनी। सी कैटेगरी के अंदर कौन आ रहा है, सी मतलब थोड़ा सा और नीचे वाली कैटेगरी, मैंने आप टेजरन पॉफ, विंसेंट सैमुअल, एलेक्स सैमुअल, किमाले विलियम्स, शमाइन सैमुअल, और डेवलपिंग प्लेयर इनका इथन गिब्सन, इमर्जिंग प्लेयर है, ठीक है, बता दिया आपको मैंने सब। अब देखो T10 स्टैट्स की बात करते हैं, और जो लोग चैनल पे न्यू भाई आप बोलते हो वीडियो कब अपलोड होती है पता नहीं चलता, तब क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बटन होता है बेल का, घंटे का, आप उस घंटी पे क्लिक करके अल पे क्लिक कर देना, ठीक है, इतना आप कर सकते हो आपके लिए दोस्तों, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे। T10 स्टैट्स की बात करते हैं, आप थोड़ा सीरियस होंगे, अब ग्रेनाडा एंड डाइवर्स पहले भी सीरियस थे ऐसी बात नहीं है, मतलब आपका ध्यान में और चाहता हूँ यहाँ पे आप स्टैट्स को समझ सको। शेन ब्राउनी 27 मैच 20 की औसत है, 450 रन है, हाईस्ट 53 है इनका, T10 लीग के अंदर जो विंसी प्रीमियर लीग होती है उसके अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है। और ये दोस्तों आदत है जब भी आउट होते हैं ना ये बैट को अपने आँख के सामने रखते हैं और रोते हुए जाते हैं, आप देखना दोस्तों उनको जब आप लाइव मैचेस देखोगे, मेरे को अभी भी याद है इस बंदे का पूरा सीन, अलग अलग तरीके शॉट मारता, लंबा एकदम हट्टा कट्टा पतला सा बंदा ये हेरन शेलो, एक्सपीरियंस इनके पास अच्छा खासा, अभी थोड़ा बहुत ऊपर लेवल पे खेल चुके हैं वेस्ट इंडीज़ बी वगैरह, मतलब ऐसे टीम्स के लिए, प्रेसिडेंट वगैरह के लिए। 21 मैच 30 की औसत है, 488 रन है, हाई 66 है, ये ज़्यादा अच्छा खेलते हैं तरीके से कहें तो। आपको बात करेंगे यहाँ पे रोनाल्ड काटो की, ये नटमग टीम के लिए खेला करते थे, जो नटमग वगैरह टीम थी ना आपको याद होगा, तो जो अपन ने कवर भी करा था एक बार, जिसके अंदर एंड्री फ्लेचर खेले थे एक, ठीक है, तो उसके अंदर क्या था इनका 9 मैच के अंदर 27 की औसत थी, T10 के अंदर 192 रन था, हाई 61 था, 4 ओवर बॉलिंग कराई, 1 विकेट निकाला, तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इनने भी दोस्तों आई थिंक जो सुपर 50 टूर्नामेंट आपने सुना रहेगा ना, इसके अंदर ये सब खेलते हैं, गयाना की टीम होती है, जमैका की टीम होती है, जिसके अंदर पोलार्ड खेलते थे, चंद्रपॉल हिमराज वगैरह खेलते थे आपको याद हो तो, कुलिज क्रिकेट ग्राउंड पे अपन कवर करे थे लास्ट ईयर, तो ये इसके अंदर भी खेले हैं रोनाल्ड काटो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ। आसिफ ऊपर 25 मैच के अंदर 25 की औसत है, 603 रन है, हाई 67, 21 विकेट है, 318 बॉल डाली है, मतलब 50 ओवर के ऊपर इन्होंने बॉलिंग करी है 50, ठीक है, चीज़ आपको ध्यान देनी है 25 मैचेस के अंदर। बात करेंगे फिर यहाँ पर किसकी, केविन इब्राहिम की, तो इनका यहाँ पर आपको ध्यान देना है 29 मैच के अंदर 173 रन है, 15 विकेट्स हैं, 258 बॉल इन्होंने डाली 29 मैच के अंदर, और इकोनॉमी इनकी 8.7 है। केविन इब्राहिम के अच्छे बैटर हैं, अच्छे बॉलर हैं, 29 मैच के अंदर 15 विकेट हैं। एरिक इरविन वेरिकम जूनियर 5 मैच में 16 रन 1 विकेट है, 3 ओवर बॉलिंग करी है। और यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कॉडी हॉर्ने की,
13 मैच 58 रन है 8 इनिंग्स के अंदर बॉलिंग, मतलब 8 इनिंग्स के अंदर सिर्फ बैट करा है। आसिफ ऊपर का दोस्तों आई थिंक यहाँ पे 30 मैच होना चाहिए जितना मुझे याद आ रहा है आसिफ ऊपर का, इसको अब मैं करेक्ट करके आपको बताऊंगा। पर ये स्टार्ट दोस्तों करेक्ट है, 603 रन था इसका, 25 की औसत थी और 21 विकेट था। बात करेंगे यहाँ पे किसकी, ब्रैक्सी ब्राउनी की, 29 मैच 11 विकेट है T10 के अंदर, 204 बॉल डाली इन्होंने अभी तक T10 लीग के अंदर, इन्होंने 21 पारी में बॉलिंग करी, 29 मैच खेले, इकोनॉमी इनकी 10 के आसपास रहती है। अबॉर्ड मकाई स्टार प्लेयर है, 18 मैच के अंदर 11 विकेट है इनका और 77 रन विद द बैट बनाए, 31 ओवर बॉलिंग करी है। आएंगे गैरन वाइले, 27 मैच 15 विकेट्स निकाले हैं, 186 बॉल्स डाली इन्होंने अभी तक, ही बोल्ड इन 21 इनिंग्स, 27 मैच खेले 21 पारी में बॉलिंग करी है, इकोनॉमी इनकी 9.717 के आसपास है। अच्छे स्पिनर है, लास्ट एडिशन बहुत अच्छा गया था, लेग स्पिनर है, वैसिक स्टफ आएंगे, 10 मैच में 13 विकेट है, 17 ओवर बॉलिंग करी है, ये दोस्तों अच्छे गेंदबाज है वैसिक स्टफ। विडेल एडवर्ड्स अभी तक नहीं खेला है T10, T20 के अंदर 23 मैच के अंदर 250 रन, 18 विकेट है। कॉडी ग्रांट 2 मैच खेले T10 के अंदर 1 विकेट है, 2 ओवर बॉलिंग करी है। डेंशन वाइटेका 19 मैच में 10 विकेट है, 16 ओवर्स बॉलिंग करी है। ही बोल्ड इन 9 इनिंग्स, 19 मैच खेल के सिर्फ 9 पारी में बॉलिंग करी है, इकोनॉमी 8 की है। स्टार्टिंग ओवर वैसिक स्टफ, आसिफ ओपर नई गेंद से बैक टू बैक ओवर डालते हैं, ये तो पहला ओवर डालेंगे फिर तीसरा ओवर डालेंगे, ऐसा रहता है इनका। डेथ ओवर में अबॉर्ड मकॉय, वैसिक स्टफ, ब्रैक्सी ब्राउनी। चलेंगे दोस्तों बोटानिकल गार्डन रेंजर्स की तरफ, तो यहाँ पे वैन हॉपर का T10 के अंदर 27 मैच में 17 की औसत है, 293 रन है, हाईएस्ट 33 है। एंडर फ्लेचर का T10 लीग के अंदर 11 मैच के अंदर 36 की औसत है, 395 रन है। जो हाल के अंदर भी थी आपको याद होगा, हाईएस्ट 79 है, 10 विकेट है, 16 ओवर बॉलिंग करी है। कैरन कॉटी, मतलब कहने देखो कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ये दोस्तों बॉलिंग करते हैं एंडर फ्लेचर, लेग स्पिन डालते हैं T10 लीग्स वगैरह के अंदर, इन्होंने अपने डोमेस्टिक T10 लीग के अंदर डाला था, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो दोस्तों, जैसे मैंने एंडर फ्लेचर सर्च करा ना मेरे इसके अंदर नोटपैड के अंदर, तो आप देखो यहाँ पे नटमग वॉरियर्स वगैरह के जब मैच हुए थे, ये नटमग के लिए खेल रहे थे, मैंने यहाँ पे लिखा था वन मैन आर्मी शो भी किया था, कैप्टन जी उस टीम की जो यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था, उसके अंदर देखो इन्होंने क्या करा था, 4 विकेट निकाला पहले मैच में, फिर 2 विकेट था, फिर यहाँ पे 2 विकेट था, फिर यहाँ पे 1 विकेट था, मतलब ये बॉलिंग करते थे दोस्तों। जो लीग होती थी इनकी कहाँ पे हो रही थी, नेशनल स्टेडियम ग्रेनेडा के ऊपर जो लीग हो रही थी ना, स्पाइस T10 लीग, यार नाम लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे स्पाइस T10 लीग भी, दोस्तों याद हो तो आपको, तब इस भाई साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये भी आपको दोस्तों मैंने बता दिया आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, अब चलेंगे फिर किसकी तरफ, एंडर फ्लेचर की बात करें, कॉटी 22 मैच 21 की 11 की औसत है, 192 रन था, हाईएस्ट 52 इनका T10 के अंदर, इतना अच्छा अभी तक करा नहीं है, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, विनवर्नड आइलैंड वगैरह होती है ना उसके लिए खेल चुके हैं सुपर 50 के अंदर, बहुत आगे तक खेले हैं ये भी। सलमन ब्राउन का 31 मैच के अंदर 21 की औसत है, 600 रन, साइज 70 है। एलेक्स मिलो 21 मैच में 13 की औसत है, 211 रन, साइज 55 है। कैनेथ डेम्बर का 21 मैच में 22 की औसत है, 225 रन, साइज 45 है, 9 विकेट्स हैं, 202 बॉल डाली है अभी तक इन्होंने, तो ठीक ठाक प्लेयर है कैनेथ डेम्बर, या तो विद द बैट या तो विद द बॉल परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। आएंगे यहाँ पे कैसरक विलियम्स, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, 18 मैच के अंदर 14 विकेट है, 167 रन इन्होंने विद द बैट बनाए हैं, 30 ओवर बॉलिंग करी है। लैरी एडवर्ड्स, इन्होंने भी स्पाइस T10 लीग खेली थी, 10 विकेट्स था, 11 मैच में 22 ओवर बॉलिंग कराई थी, 67 रन विद द बैट बनाए थे और इनका दोस्तों इकोनॉमी बहुत अच्छा रहा था वहाँ पे। रजनी ब्राउन ने 28 मैच 16 विकेट्स था, 230 बॉल डाली थी। विंस्टन सैमुअल को 17 मैच में 6 विकेट था, 70 ओवर बॉलिंग करी थी और 12 पारियों में ही बॉलिंग करी थी इस बंदे ने। किमाली विलियम्स से नई गेंद को कंट्रोल करते हैं, स्विंग होती इनकी बॉल थोड़ी थोड़ी, 29 मैच में 15 विकेट था, ही बोल्ड इन 27 इनिंग्स, इकोनॉमी थी इनकी 9 के आसपास। स्टार्टिंग और किमाली विलियम्स है, लैरी एडवर्ड्स है, ये दो तो दोस्तों मुझे 90% लग रहे हैं नई गेंद से डालेंगे। कैनेथ डेम्बर भी आ जाते हैं डेथ ओवर के अंदर, कैसरक विलियम्स, किमाली विलियम्स, रजनी ब्राउनी। रजनी ब्राउनी डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे वैनी स्टैट्स की, आपको पता है जो सारा T10 लीग होता है VPL का, इसी वैनी के ऊपर होता है, तो जो T10 के स्टैट्स होंगे दोस्तों वैनी स्टैट्स होंगे। बात करेंगे कॉमन कैप्टन की, एंडर फ्लेचर, कैसरक विलियम्स, बड़ी लीग्स में बनाओ एंडर फ्लेचर, अबॉर्ड मकॉय, कैसरक विलियम्स, आसिफ ऊपर अलग जाना है, कैरन कॉटी, हैरन शेलो, रोनाल्ड काटो को आप ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे दोस्तों टीम्स की, क्या रहने वाली यहाँ पे टीम्स, यहाँ पर कैप्टन एंडर फ्लेचर, वाइस कैप्टन यहाँ पे मैंने बनाया कैसरक विलियम्स को, आप दोस्तों यहाँ पे कर सकते हो आसिफ ऊपर को, आपके ऊपर दोस्तों डिपेंड करेगा, ठीक है, चिंता की बात नहीं यहाँ पर। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, आई थिंक दोस्तों यहाँ पे इस ऐप के अंदर लोगों ने आई थिंक अबर्ड में कोई ऐड नहीं करा है, और देखते हैं दोस्तों ऐड करना चाहिए, आई थिंक स्क्वाड के अंदर तो है वो, या तो फिर उन्होंने पुल आउट कर लिया, वो बात अलग है, न्यूज़ तो उनकी आई नहीं है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ग्रीन एंड डाइवर्ट्स के लिए आसिफ ओवर कैप्टन है, रिटेन प्लेयर अबॉर्ड मकॉय थे, शेम ब्राउनी थे। तो अबॉर्ड मकॉय दोस्तों मैंने लिखा हुआ उनके स्टैट्स, देखते हैं क्या होता है, खेलते हैं तो बढ़िया यार। अब देखो बड़ी लीग्स में करना है, रिस्क लेने से डरना, तो यहाँ पे कीपिंग सेक्शन की बात करते हैं, तीनों दोस्तों अच्छे विकल्प हैं, सबसे टॉप विकल्प रहेंगे यहाँ पे हैरन शेलो और शेम ब्राउन। शेम ब्राउन दोस्तों अच्छा करते हैं लेकिन ऐसा प्लेयर है, इनकी कंसिस्टेंसी की थोड़ी कमी है, 10 में से ये
तीन मैचेस में ऐसा चलते हैं कि आप देखते रह जाओगे, हैरान चलो हो गया कि 10 में से 5 मैचेस में चलते चलते हैं, नॉर्मली देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा स्कोर ना करते हुए भी 30-20 रन कर जाते हैं अच्छे खासे। एंड फ्लेचर इंपॉर्टेंट है, शेम ब्राउन है दोस्तों एक ठीक ठाक विकल्प आपके पास, कैरन कॉटा अवेलेबल है, यहाँ पे दोस्तों रोनाल्ड काटो मेरे को इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहे हैं, एक तो ओवरसीज प्लेयर है, ये स्पाइस स्टेटलिंग वाले प्लेयर है, इस लीग के अंदर खेल रहे हैं, बड़ी बात है। इवन दोस्तों इन्होंने ना अभी हाल ही के अंदर दिसंबर के अंदर और जनवरी के अंदर इनका खुद का एक डोमेस्टिक T10 लीग हुआ था ग्रेनेडा के अंदर, अलग मतलब बच्चों वाला लीग था, थोड़ा सा बच्चों वाला मतलब कि उसके अंदर अंडर 19 था ऐसा कुछ चल रहा था, तो उसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था रिविन वरेकेन जूनियर ने, देखते हैं ओपन करते हैं तो आप प्रीफर कर सकते हैं उनको। आसिफ ओपर इंपॉर्टेंट रहेंगे, टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, दो ओवर डाल जाते हैं, केवन इब्राहिम इंपॉर्टेंट है, हॉइटे दोस्तों ठीक ठाक प्लेयर है, मेरे को स्पेशल स्टैट्स नहीं लगे, कैनेट डेम्बर भी ठीक ठाक प्लेयर है। आप देखो यहाँ पे चलते हैं अपन, कैसरिक विलियम्स इंपॉर्टेंट है, वैसे स्टफ के दोस्तों स्टार्ट बहुत अच्छे थे, मैंने आपको दिखाया भी था, किमाली विलियम्स भी ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं नए गेम से, रजनी ब्राउनी डेथ और स्पेशलिस्ट है BGR के बोटानिकल गार्डन रेंजर के, फिर यहाँ पे ब्रेक्सी ब्राउनी एक मुश्किल से एक ओवर डालते हैं, कभी कभी दो ओवर भी डाल जाते हैं, लास्ट ईयर इनका ऐसा कंफर्म नहीं था दो ओवर पूरे डाले हों, एक एक ओवर डालते थे मुश्किल से। गैरन वाइले एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छा बॉलिंग करा था, दो ओवर भी डाल रहे थे, पांचवें छठे ओवर भी आते थे, अगर पहले ओवर के अंदर विकेट निकाल जाते थे तो बैक टू बैक ओवर्स डाल देते थे। लैरी एडवर्ड्स इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहे हैं, विंस्टन सैमुअल थोड़े रिस्की हो सकते हैं, फिर यहाँ पे आप देखो ये सब आई थिंक शायद इंपॉर्टेंट है यार के ग्रांट वगैरह, ठीक है, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी दे दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। अपनी दोस्तों दिल की सुनिए कौन क्या कर रहा है, मैं दोस्तों क्या टीम बना रहा हूँ सब पे फोकस ना करें, स्टैट्स आपके सामने दोस्तों पूरे ये, तो आप इनको एक बार दोबारा देखें, अपने दोस्तों दिल में तसल्ली करें कि कौन प्लेयर अच्छा हो सकता है, किसके स्टैट्स कैसे हैं। स्टैट दोस्तों आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जो लिखा हुआ है दोस्तों लोगों ने पहले ऐसा परफॉर्मेंस दिया है, वैसे अपने मन से नहीं दे रहा कि प्लेयर ऐसा आया है वैसा परफॉर्मेंस दिया गया, जो स्टैट्स दोस्तों मैंने आपको सिर्फ वो समझाने की कोशिश करी है, बहुत टाइम लगता है स्टैट्स निकालने में भी, तो आप बस इनको समझो देखो परखो और खुद के दोस्तों बेहतरीन टीम बनाओ यहाँ पे। Take care, love you guys. See you soon. Jai Hind.